शाम गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर 17 मई 2020 तक लॉकडाउन 3.0 लागू कर दिया। ने प्रधानमंत्री सामने आए, ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया, ना गृह मंत्री ही आए, यहां तक कि कोई अधिकारी भी नहीं आया। आया तो केवल एक आधिकारिक आदेश लॉकडाउन 3.0। देश को ना कुछ बताया, ना सुझाया, ने रास्ता बताया, ने समय सीमा बताई और ना ही मुश्किल हल, ना देशवासियों के मन की बात सुनी और ना अपनी कही और ना ही देश के मन में उठ रहे लाखों सवालों का जवाब दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, 130 करोड़ भारतवासी जानना चाहते हैं और देश की ओर से 5 सवाल। नंबर 1, लॉकडाउन 3.0 के पीछे क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, क्या रणनीति है वे क्या रास्ता है? सवाल नंबर 2, क्या लॉकडाउन 3.0 आखिरी है और 17 मई 2020 को खत्म हो जाएगा, या फिर लॉकडाउन 1.0 के बाद लॉकडाउन 2.0 और फिर लॉकडाउन 3.0 के बाद लॉकडाउन 4.0 वे लॉकडाउन 5.0 भी आने वाला है? यह पूर्णतया खत्म कब होगा? तीसरा सवाल, 17 मई 2020 तक कोरोना संक्रमण रोकने वे आर्थिक संकट से उबरने की गोल पोस्ट क्या हैं? मोदी सरकार ने 17 मई 2020 तक संक्रमण रोकने, रोजी रोटी की समस्या वे आर्थिक संकट से निपटने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं? उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए 17 मई तक क्या सार्थक वे निर्णायक कदम उठाए जाएंगे? चौथा सवाल, लॉकडाउन 3.0 से बाहर आकर देश को सुचारू रूप से पटरी पर लाने की दिशा व रास्ता क्या है? देश के भविष्य को लेकर मोदी जी की सोच व नीति क्या है? किसान की फसल कटाई, MSP का भुगतान, एक एक दाने की खरीद के साथ आगे आने वाली खरीफ फसलों की बुआई व खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयों की उपलब्धता करने का रोड मैप क्या है? 40 करोड़ से अधिक गांव शहर के मजदूरों की रोजी रोटी व राशन की व्यवस्था क्या है? 11 करोड़ नौकरियां देने वाले 4.25 करोड़ MSME इकाइयों को राहत कैसे मिलेगी? मध्यम वर्ग व नौकरी पेशा लोगों की बर्खास्त होती नौकरियों व तेजी से घट रही तनख्वाहों, इनको रोकने का रास्ता क्या है? टूरिज्म व होटल इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल व IT इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट व एविएशन इंडस्ट्री, इनके नुकसान की भरपाई और इन्हें पुनः चालू करने की रणनीति क्या है? और पांचवां और आखिरी सवाल, 8 से 10 करोड़ मजदूरों की सुरक्षित व सुगम घर वापसी की टाइमलाइन व तरीका क्या है? देश इन 5 सवालों का जवाब जरूर चाहता है। कांग्रेस के 7 सुझाव हैं जो आज हम आपके माध्यम से मोदी सरकार को देना चाहेंगे। श्रीमती सोनिया गांधी जी व श्री राहुल गांधी जी ने बार बार फाइनेंशियल एक्शन प्लान पार्ट 2 की वकालत की है, अनेकों पत्र लिखे हैं,
और उनके आधार पर ये 7 सुझाव कांग्रेस के हैं। पहला, लाखों करोड़ों मजदूरों को 15 दिन में घर वापसी के लिए निशुल्क यानी मुफ्त बगैर किराए सैनिटाइज ट्रेन की व्यवस्था मोदी सरकार करे। नंबर 2 सुझाव, देश के गरीब मजदूरों, गरीबों व किसानों के जनधन खातों, पीएम किसान योजना खातों, एमजी नरेगा वर्करों के खातों वे बुजुर्ग महिला तथा विकलांगों के पेंशन खातों में बगैर देरी के सीधे 7,500 रुपए ट्रांसफर किए जाएं। वे प्रति परिवार प्रति व्यक्ति को 10 किलो अनाज चावल या गेहूं, 1 किलो दाल और आधा किलो चीनी बगैर देरी के मुहैया करवाई जाए। तीसरा सुझाव, किसानों का एक एक दाना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदें वे 24 घंटे के अंदर भुगतान करें। चाहे गन्ना किसान हो या अन्य किसान, उनके हजारों करोड़ रुपया के बकाया का 7 दिन के अंदर अंदर भुगतान हो। किसान का ब्याज माफ कर 1 साल तक सारी कर्ज वसूलियों को स्थगित कर दिया जाए। चौथा सुझाव, 11 करोड़ नौकरी देने वाले 4.25 करोड़ लघु मध्यम व सूक्ष्म इकाइयों MSMEs को फौरन 2,00,000 करोड़ रुपए का सैलरी व क्रेडिट पैकेज दिया जाए। पांचवा सुझाव, मध्यम वर्गीय व नौकरी पेशा लोगों को तनख्वाह व नौकरी प्रोटेक्शन पैकेज सुनिश्चित हो तथा बर्खास्त होती करोड़ों नौकरियों व मनमाने तरीके से काटी जारी जा रही तनख्वाहों पर अंकुश लगाया जाए। छठा सुझाव, कोरोना की टेस्टिंग को कई गुना बढ़ाया जाए। कोरोना वॉरियर्स यानी हमारे डॉक्टर्स, नर्स, स्वास्थ्य कर्मियों को सफिशिएंट मात्रा में पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट मुहैया करवाए जाएं। यही सुविधा दूसरे कोरोना वॉरियर्स यानी हमारे सफाई कर्मचारी, पुलिस कर्मी, एसेंशियल सर्विसेज चलाने वाले कर्मी, इनको भी दी जाएं। सातवां सुझाव, केंद्र सरकार अपनी फजूल खर्ची पर फौरन अंकुश लगाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बगैर विलंब के 20,000 करोड़ के सेंट्रल विस्टा सौंदर्यकरण प्रोजेक्ट, 1,10,000 करोड़ के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, 8,458 करोड़ की लागत से प्रधानमंत्री की यात्राओं के लिए खरीदे जाने वाले जहाजों वे 30% भारत सरकार के फजूल खर्चों में कटौती करे। इससे जो कई लाखों करोड़ रुपया बचेगा उससे प्रदेशों को 1,00,000 करोड़ का पैकेज कोरोना से लड़ने के लिए दिया जाए तथा भिन्न भिन्न सेक्टर स्पेसिफिक राहत पैकेज दिए जाएं। मोदी जी, कोरोना से जंग मिलकर लड़ी जाएगी, नेकी भाजपा सरकार के एक छत्र रवैये से। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।